सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई लोग, आज एक महीने बाद हम वीडियो बना रहे हैं और इसका रिव्यू लेके आए हैं, जो प्रोटीन हमने लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका रिव्यू देंगे कि प्रोटीन कैसा है, काम किया कि नहीं किया इसने। और मेरे भाई, बहुत से भाई लोग हैं जो इसको लेने की सोच रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है और कम बजट वाले भाई का ध्यान इसी के ऊपर जाता है। तो मैं उन सबको बताऊंगा कि भाई इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, मेरे को एक महीना हो गया इसको लेते हुए और इसको मेरे पे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। हकीकत बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, कोई भी रिज़ल्ट मिला। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो मत लेना ये प्रोटीन को, मत लेना, कोई भी रिज़ल्ट नहीं देगी इसका। बस फ्लेवर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है और कुछ नहीं, रिज़ल्ट इसका कुछ नहीं, जीरो रिज़ल्ट है, पैसा वेस्ट है। अगर कोई भाई इसको ले रहा है तो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है। उसको मैं एक अच्छा सजेशन दूंगा कि अगर वो अपना पैसा इस पर लगा रहा है ना, तो उससे अच्छा वो पैसा किसी अच्छी डाइट पे लगा ले, या तो उसमें कुछ पैसा डाल के कोई दूसरा ब्रांड का प्रोटीन ले ले, वो बेस्ट रहेगा। बट ये मत लेना, हकीकत बोल रहा हूँ, मत लेना, पछताओगे। और इसकी एक और इसी ब्रांड का एक और आता है क्रिएटिन, वो भी मत लेना। मेरे दोस्त ने लिया, वो भी बेकार है। तो क्रिएटिन भी मत लेना और इस ब्रांड का प्रोटीन भी मत लेना, फेक है भाई। इसमें क्या वर्क किया कुछ नहीं पता। 1200-1300 रुपये अगर मैं कुछ दूसरी डाइट लगाता ना, तो मेरा 15-20 दिन की डाइट आ जाती और मेरे को इससे अच्छा रिज़ल्ट देती, कई गुना अच्छा रिज़ल्ट देती, हकीकत बोल रहा हूँ। अगर तो इसको लेने की सोच रहा है ना, मत लेना, कोई भाई मत लेना। ये सस्ता ब्रांड की समझ के कि आपको कोई फ़ायदा देगी तो मत लेना। 400-500 रुपये इसमें ऐड करके आप अगर एज इट इज़ का ले लोगे ना, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। बट मैं बोलूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट है भाई, अगर किसी भाई के पास टाइम है, जॉब वगैरह नहीं करता। मैंने ये प्रोटीन इसलिए लिया था, मैं प्रोटीन वगैरह नहीं ले रहा था भाई, क्योंकि अपने को यार पहचान नहीं है कौन सा ओरिजिनल है। कई बार क्या होता है, हम 2500-3000 रुपये लगा के ना फेक प्रोटीन ले लेते हैं, तो क्यों रिस्क लेना। इससे अच्छा देसी डाइट खाओ, घर का खाओ, वो बेस्ट है, घर पर बना खाओ। और क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है ना, तो इसलिए मैंने लिया। अगर किसी भाई के पास टाइम है ना, तो बाहर से अपना जो भी सामान है ला के अपना घर डाइट बनाए और आराम से खाए, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, इससे कई गुना अच्छा रिज़ल्ट देगी। और ये किसी काम का प्रोडक्ट नहीं है भाई, मत पैसा लगाना इसके ऊपर, पछताओगे, कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको, वेस्ट ऑफ मनी है। सो भाई बस इतने ही बताना था, और ये प्रोडक्ट मत लेना, पैसा वेस्ट हो जाएगा। और भाई बस अभी नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, सो रहा था तो मैंने सोचा कि यार चलो इसका वीडियो बना लेता हूँ। बहुत से भाई लोग इसको लेने की सोच रहे होंगे, तो शायद उनके काम आ जाएगी। सो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे फिर जाएंगे जिम। सो वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना,